हेलो बच्चों, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ओके, नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन फॉर एडिशन एट 2√2 प्लस 5√3 एंड square root of 2 minus 3 root 3. For addition, first you will write with addition symbol 2 root 2 plus 5 root 3. Add karna hai aapko square root of 2 minus 3 square root of 3 ko. Then see which term have the same irrational numbers like square 2. Root 2 is an irrational number and it is an irrational number. और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट टू है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट टू है. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं. सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी एडेड. तो इसको आप लिख लोगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट इसको और इसको, दैट मींस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द सेम स्क्वायर रूट नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 3 है दोनों में, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. नाउ ऐड एंड सबट्रैक्ट इट, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यू विल गेट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सिमिलरली 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ओके, now in next question when you are multiplying two irrational numbers how you can multiply it? Yes. In second question it is given for multiplication 6√5 multiply by 2√5. okay, in multiplication if we have irrational numbers 6√3 and 2√5 is 6√5 and 2√5, then the 6 will multiply by 2, it will be 12, and square root of 2 into square root of 5 into square root of 5 will be square, say 5 bahar aayega, it will be 60. Like this you can solve. So मतलब square root वाले number को square root वाले number के साथ आपको multiply कर लेना है और जो आपके numbers हैं 6 and 12 उसका आपस में multiply करके you can find the answer. Okay? In next part division is given. See in division if 8√5 is divided by 2√3. Now what we can write 8√15 divided by 2√3. See 2 से आपने 8 को कैंसिल कर लिया, it will be 4 और इस square root में square root of 15 is divided by square root of 3. तो 15 में 3 का divisible division possible है, 15 by 3 और you will get square root of 5. हाँ, listen, यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें आपसे कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसको तो ऐड करके आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखते हो. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, इट विल बी ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, करेक्ट. बट अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो इसको ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं लिखिएगा. काफी बच्चे ये गलतियां करते हैं कि जब स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं और डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो वो उन नंबर्स को रूट के अंदर ही ऐड करके और रिजल्ट लिखते हैं. इट इज रॉन्ग, ये गलत है. स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 को 3 के साथ जब ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 कभी नहीं आएगा. वी कैन ऐड इट इन द डेसिमल फॉर्म, ऐसे स्क्वायर नहीं करते हैं. ठीक है, और यहां पे भी देखो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मिलकर के स्क्वायर रूट 4 नहीं था. इसको आपने स्क्वायर रूट 2 में से क्या किया है, स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहां पे भी 1 होगा और यहां पे भी 1 होगा, तो यहां से आपको क्या मिला,
square root 2 into 2. Similarly, इसमें भी आप देख लो square root of 3 है, square root of 3 common ले लिया तो 1 plus 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 square root of 3. तो इसका मतलब ये नहीं कि square root के अंदर के digits को हम plus कर सकते हैं, नहीं, उसमें हम लोग same type of अगर square root numbers हैं common ले करके simplify करते हैं then you can get the result. तो square root of 2 plus square root of 2 तो add होके 2 times है, twice of square root of 2 लिख लिया है, twice of square root of 3 लिख लिया, but square root 2 plus square root of 3 को square root 5 नहीं लिख सकते हैं. Remember it, याद रखिएगा, ये गलतियां अधिकतर बच्चे कर देते हैं. ओके, but in multiplication you can multiply the rational numbers, you can divide the rational numbers, but for addition and subtraction जब आपका सेम इरेशनल नंबर होगा, सेम इरेशनल नंबर्स होंगे तभी जो है एडिशन पॉसिबल होगा. स्क्वायर रूट में जब नंबर सेम होंगे तभी एडिशन और सबट्रैक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम इसको ऐड नहीं कर सकते, यहां बिल्कुल नहीं लिखेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं लिखा जा सकता. ओके, नाउ कम ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन फोर्थ पार्ट it is given for the simplification, square root of 5 minus square root of 2 and root 5 plus under root 2. Okay, देखो जहां पर भी algebraic identity का format बनता है वहां पर आप algebraic identity apply कर सकते हो. तो in this question we have one algebraic identity like a minus b and a plus b. तो अगर ये format a minus b और ये format a plus b का है then we can apply the identity, we can write it in a square minus b square form. So in this part when we will want to multiply these two terms, so what it you can do, we can apply this identity. This identity ke according square root of 5 plus square minus square root of 2 ka square ho jayega, because ye a ki jagah hai, ye b ki jagah hai. So you will get 5 minus 2 and result is. Okay, now very important question, this question number 5. Question number 5 mein rationalization kiya hai denominator ka. Let's see what is the meaning of this rationalize the denominator. First question is 1 upon square root of 7, or is question mein bol rahe ki denominator ko rationalize karna hai, that means yahan jo denominator mein number hai wo kaisa hai, it is an irrational number. तो अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो इसको हम लोग को रैशनलाइज करना है, दैट मींस जो डिनोमिनेटर है उसमें इरेशनल नंबर की जगह रैशनल नंबर आना चाहिए. तो व्हाट स्टेप वी विल टेक टू फाइंड द डिनोमिनेटर रैशनल,